वन इज आइसोबारिक, देन वी हैव आइसोकोरिक, देन वी हैव आइसोथर्मल एंड वी हैव एडियाबेटिक. सो दिस आर फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल. ठीक है, तो सभी को नमस्कार. अभी टॉपिक का नाम पहले मैं लिख देता हूँ, बहुत ही डिटेल्ड टॉपिक है ये. टॉपिक का नाम क्या है? थर्मोडायनेमिक्स. सो वी आर गोइंग टू लर्न दिस थर्मोडायनेमिक्स. वेरी बिग टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. तो इसको समझते हैं. तो इस पे कंटिन्यूस सेशंस आते जाएंगे अभी. तो सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स में, थर्मो और डायनेमिक्स अगर नाम स्प्लिट करें तो बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, डिफ़िकल्ट नहीं है. लेकिन इसके जो स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज अलग अलग स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज है वो जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो थर्मो इज समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू हीट. थर्मो और थर्मल इज समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू द हीट. एंड डायनेमिक मीन्स मूविंग. ऑफकोर्स डायनेमिक्स इज द स्टडी of moving heat bodies or moving system in which the heat is flowing or the system in which the heat is flowing or heat is moving or heat transfer is taking place. तो ऐसे बहुत सारे अलग 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 मीनिंग्स ले सकते हैं. अभी इसमें थर्मोडाइनमिक्स में अगर हम देखें तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट we need to think on is system and surrounding. That is what system and surrounding is. These two are very important topic to think on, that what is system and what is surrounding. Because the moving, what is moving? This heat is moving. Whatever you say thermal, the heat is moving. But that motion of the heat, either it is taking in the system or it is taking place with the surrounding, from the system to the surrounding or from the surrounding to the system, whatever, the something is happening. And जो हो रहा है actually, तो उसको system को zoom in करके देखेंगे तो अलग अलग type के systems होते हैं. zoom in करके देखेंगे तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम्स. ओके, डिफरेंट टाइप्स. सो हम इसका एक स्पेसिफिक वीडियो बनाएंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम देर आर सम सिस्टम. लेट मी लिस्ट इट आउट, द बेसिक एंड द प्राइमरी वन. द फर्स्ट इज आइसोबारिक, वन इज आइसोबारिक, देन वी हैव आइसोकोरिक, then we have isothermal and we have adiabatic. So these are four different types of system we are going to study in detail. इस पे work क्या होता है? First law of thermodynamics जो है, ये चारों system के लिए equations क्या होता है उसका, वो work का जो formula है वो हम derive करेंगे individually चारों system के लिए. तो समझ लो ये चैप्टर जो है ये पूरा ये चार सिस्टम पे ही काम करने वाला है. आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक. यहाँ पर एडियाबेटिक लिखना है, इट इज़ एडियाबेटिक सिस्टम. ठीक है ना, अलग से लिखना है तो इधर वापस लिख देता हूँ मैं, एडियाबेटिक. दिस इज़ adiabatic system, isobaric, isochoric, isothermal and adiabatic system. So what's the meaning of that particular system, वो हम देखने वाले हैं separate video में. फिर उसमें work क्या होगा ये वाली system में, ये वाली system में, isothermal में, adiabatic में, वो भी हम देखेंगे. PV graph draw करने वाले हैं, फिर heat engine देखने वाले हैं, फिर heat engine का उल्टा heat pump, that is refrigerator देखने वाले हैं. So बहुत ही important chapter है, very very important chapter. इसके न्यूमेरिकल बड़े मज़ेदार है, बड़ा मज़ा आएगा सॉल्व करने में. और ये चैप्टर पर्सनली मुझे सिखाने में भी बहुत मज़ा आएगा, बिकॉज बहुत डेप्थ में है. और ये चार सिस्टम पे, जैसे मैंने बताया,
ये चार सिस्टम पे फोकस्ड रहेगा. सो द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम, सो दिस आर द फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट द प्राइमरी मीनिंग, बेसिक मीनिंग ऑफ दिस फोर टाइप्स ऑफ सिस्टम. ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस. एंड ऐसे ही मज़ा करते रहिए, नई नई बातें जानते रहिए. आप फिजिक्स पढ़ते रहिए, मैं फिजिक्स पढ़ाता रहूँगा, क्योंकि फिजिक्स हमारा, फिजिक्स तुम्हारा. नमस्कार. सो सभी को नमस्कार. जैसे मैंने थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट सेशन में बताया था, वी विल बी टॉकिंग अबाउट फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम्स. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट दिस सिस्टम्स वन बाय वन. फर्स्टली मैं उनके नाम लिख देता हूँ, फिर उनका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो लिखेंगे. सो वेरी फर्स्ट क्या है? आइसोबारिक सिस्टम. ओके, दिस आर द नेम ऑफ द सिस्टम. आई एम राइटिंग हियर सिस्टम. सो फर्स्ट इज आइसोबारिक, देन सेकंड इज आइसोकोरिक. मैं थोड़ी स्पेस छोड़ रहा हूँ ताकि यहाँ पर उसका डिस्क्रिप्शन लिख सकूँ, आपको समझा सकूँ. देन थर्ड वन वी हैव इज आइसोथर्मल. आई एम फॉलोइंग द सेम ऑर्डर विच आई गेव यू इन फर्स्ट वीडियो, विच आई गेव यू इन द फर्स्ट वीडियो. नाउ द लास्ट इज द एडियाबेटिक सिस्टम. ओके, नाउ लेट्स टॉक ऑन दिस वन बाय वन, दैट वॉट दैट सिस्टम एक्चुअली इज ऑल अबाउट. Means how to identify that whether the particular system is isobaric, isochoric, isothermal or adiabatic. So there are some specific properties related to it. So what does iso means? Let me tell you. Iso means same. In chemistry also this word comes lot of time, like isomer, isomerism. So that iso is the word means same. Okay, so now what does isobaric means? Let's first think on it. Now bar is the unit of pressure. If you know, the newton per meter square is SI unit of pressure. Now this newton per meter square is pascal. Newton per meter square is Pascal, but there are many other units, which is bar, tor, atmosphere, etc. So we have other units. So that isobaric means same pressure, means pressure is constant, means P is equals to constant. It means it is isobaric. It means P remains same. Whatever happens, whether it is expansion, whether it is compression, the pressure of the system will remain same. The pressure of the system is not going to change at all. The temperature may fall, the temperature may rise, the volume may change, it might incremental change or decremental change, whatever happens, but the pressure of the system won't be changing at all. So that kind of system is known as isobaric system. Clear? ठीक है, सबको ध्यान में आया? अब let's talk about the second one. Iso means same and choric. So the volume is constant. So the system in which volume is constant, V is equals to same. Pressure बढ़ सकता है, घट सकता है, temperature बढ़ सकता है, घट सकता है, but volume वैसे का वैसे ही रहेगा. सो दैट इज आइसोकोरिक सिस्टम. नाउ नेक्स्ट इज आइसोथर्मल. आइसो यानी सेम, थर्मल इट इज रिलेटेड टू द टेम्परेचर. तो हिंट मैंने दे दी है, टेम्परेचर. सो टेम्परेचर टी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट. इट मीन्स टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज सेम. मतलब अगर सिस्टम एक्सपांड हो रहा है, सिस्टम में जो गैस है या तो सिस्टम में जो भी पार्टिकल्स है, वो अगर एक्सपांड भी हो रहे हैं या तो वो कंप्रेस भी हो रहा है, मतलब आइदर देर कैन बी एक्सपांशन और कंप्रेशन, बट द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज नॉट चेंजिंग एट ऑल. ओके ओके, सो इवन इफ देर इज एक्सपांशन टेकिंग प्लेस, इफ द इनिशियल टेम्परेचर वॉज 35 डिग्री सेल्सियस, देन द फाइनल टेम्परेचर आफ्टर द एक्सपांशन विल बी सेम, विच इज
35 degree Celsius. If you work it out in Kelvin, so just add 273, so it will be Kelvin. So whatever Kelvin or whatever degree Celsius temperature you had initially, after the process has ended from point A to B, or let's say from point 1 to 2, so initial to final point, it means the process has been completed, but the temperature will not change, the temperature is constant. So I hope you are understanding the chronology here. The pressure is constant, P is same in isobaric system. Here the volume is constant, V is same in the isochoric system. Isothermal, here the temperature is system, T is same. Now adiabatic is we need to think on. So let's say like we had a thermos flask, okay, so we have something like this, okay, we have a thermos flask, and in that particular flask you have something, either you have tea or whatever, basically we have this tea, right? And you go to hospital to meet your patient or anyone, your friend who is admitted there. So you keep that tea in the thermos flask, aur wahan par jaake wo chai jo hai wo almost waise ki waise hi rehti hai. Agar garam hai 65 degree Celsius pe hai, samjho गर्म है ना चाय, अंदर सराउंडिंग टेम्परेचर कितना होगा, समझो गर्मी है 30 डिग्री सेल्सियस है, ये सराउंडिंग है, चाय का टेम्परेचर 65 डिग्री सेल्सियस है. जब आप हॉस्पिटल जाते हो तो भी 65 का ऐसा बोल सकते हैं, 64 63 इतना हुआ होगा, लेकिन आइडियली वो 65 का 65 ही रहता है, यानी कि अंदर से कोई बाहर नहीं जाएगा, मतलब हीट जो है वो बाहर से अंदर एंटर नहीं कर सकती. ये बाहर, ये क्या है, सराउंडिंग है. ये 30 डिग्री सेल्सियस क्या है, सराउंडिंग टेम्परेचर, और ये 65 डिग्री सेल्सियस क्या है, सिस्टम का टेम्परेचर. मतलब ये जो थर्मोस फ्लास्क है वो सिस्टम है, बाकी सराउंडिंग है, आजू बाजू जो भी है, एयर वगैरह जो भी. तो ये समझ लो, ये सराउंडिंग से हीट अंदर नहीं जा सकती, क्रॉस किया है लेकिन किस पे, हीट पे, मतलब बाहर से कोई अंदर नहीं जा सकता और अंदर से कुछ बाहर नहीं जा सकता, और कुछ यानी हीट, जो हीट अंदर से बाहर नहीं जा सकती और जो हीट बाहर से अंदर नहीं आ सकती, मतलब नो हीट कैन एंटर इन द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग एंड नो हीट कैन गो आउट फ्रॉम द सिस्टम इनटू द सराउंडिंग. मतलब अंदर से कोई बाहर नहीं आएगा, बाहर से कोई अंदर नहीं जाएगा, इसका मतलब होता है एडियाबेटिक सिस्टम. जो मैंने थर्मोस फ्लास्क का एक एग्जांपल दिया, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल, जैसे जैसे डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको ख्याल में आता जाएगा. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा आपके लिए, दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट वीडियो. लेट मी क्विकली गो थ्रू इट. आइसोबारिक, प्रेशर कॉन्स्टेंट है, प्रेशर सेम है. आइसोकोरिक, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट, वॉल्यूम सेम. आइसोथर्मल, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, मतलब टेम्परेचर सेम. और एडियाबेटिक, अंदर से कोई बाहर नहीं आएगा, बाहर से कोई अंदर नहीं आएगा, अंदर से कोई बाहर नहीं जाएगा, बाहर से कोई अंदर नहीं आएगा, ठीक है ना. फाइन, तो इसको रिवाइज करते जाओ. ये अगर क्लियर हुआ तो आगे सारे पैरामीटर्स जो है, सारी टर्मिनोलॉजी जो है, आपको अच्छे से समझेगी. तो ऐसे ही मजा करते रहिए, नई नई बातें जानते रहिए. आप फिज़िक्स पढ़ते रहिए, मैं फिज़िक्स पढ़ाता रहूँगा, क्योंकि फिज़िक्स हमारा, फिज़िक्स तुम्हारा. नमस्कार. अभी सभी को नमस्कार. अभी मैंने पिछले ही सेशन में ये जो पिक्चर आपको दिख रहा है, इसके रिलेटेड बहुत डिटेल में हमने सीखा, मैंने समझाया आपको. अभी एक डेल्टा जो होता है ना, डेल्टा, डेल्टा यानी क्या, ये सिंबल होता है डेल्टा का, मतलब चेंज, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज यानी फाइनल माइनस इनिशियल. तो ये डेल्टा क्या होता है ना, वो मैं आपको बता देता हूँ. तो ये चारों केस में डेल्टा क्या होगा वो हम देखेंगे. तो यहाँ पर P अगर सेम है तो वी कैन से P1 इज इक्वल्स टू P2 इज इक्वल्स टू सेम. सो डेल्टा P क्या होगा, डेल्टा P इज नथिंग बट P2 माइनस P1, फाइनल माइनस इनिशियल. बट इफ P इज सेम, इट मीन्स P1 इज इक्वल टू P2, इट मीन्स इनिशियल प्रेशर एंड द फाइनल प्रेशर आर सेम. सो इवन इफ यू सब्ट्रैक्ट दोज वैल्यूज, P2 माइनस P1, so as they are same the value will be zero. So delta P is zero for isobaric. ये एक additional मुझे
इस वीडियो में बताना है। तो एक तो हो गया, बाकी का देखते हैं क्या होगा, ठीक है। सो हियर द डेल्टा पी इज जीरो बिकॉज प्रेशर इज सेम, सो पी वन इज इक्वल्स टू पी टू, सो डेल्टा पी विल बी जीरो। हियर वॉल्यूम इज सेम, सो वी कैन से वी वन इज इक्वल्स टू वी टू, इट मीन्स इनिशियल वॉल्यूम एंड द फाइनल वॉल्यूम इज सेम। सो डेल्टा वी क्या होगा, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। सो डेल्टा वी होगा वी टू माइनस वी वन, बट हियर एज वी सॉ दैट दिस इज द आइसोकोरिक सिस्टम, वॉल्यूम इज सेम, वी वन इज वी टू, सो डेल्टा वी वी टू माइनस वी वन जीरो हो जाएगा, क्योंकि जो वी टू है वही वी वन है और जो वी वन है वही वी टू है, कुछ भी बोलो। सो हियर डेल्टा वी जीरो हो जाएगा, किसके लिए, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए। ध्यान में रखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे तब ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर सेम है, मतलब T1 इज इक्वल्स टू T2, क्या हो जाएगा, T1 इज इक्वल्स टू T2, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, जगह नहीं है इसलिए। सो डेल्टा T हो जाएगा T2 माइनस T1, क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, T2 माइनस T1, बट T1 एंड T2 तो सेम है एक दूसरे से, आइसोथर्मल, बराबर। सो T2 माइनस T1 जीरो हो जाएगा। सो फॉर आइसोथर्मल सिस्टम T2 माइनस T1 कम्स आउट टू बी जीरो। और यहाँ पर क्या है, अंदर से हीट बाहर नहीं जा रही, बाहर से हीट अंदर नहीं आ रही, तो हीट का जो सिंबल है वो है कैपिटल Q। Q जो है वो एनर्जी है, हीट एनर्जी, यूनिट जूल है, तो Q जूल। तो यहाँ पर बड़े में लिख रहा हूँ मैं, डेल्टा Q इज ज़ीरो, मतलब समझो पहले जेब में अगर 100 रुपये थे तो कोई आपको पैसे देगा नहीं, आप किसी को पैसे देंगे नहीं, तो पहले अगर 100 थे तो बाद में भी 100 होंगे, तो चेंज कितना हो गया, डेल्टा कितना हो गया, ज़ीरो। किसका चेंज, चेंज इन मनी इज इक्वल टू ज़ीरो। आप ना किसी से ले रहे हो, मतलब ये इनटेक जो है वो नहीं हो रहा है, और जो आउट गोइंग जो हो सकता था वो भी नहीं हो रहा है, तो कुछ इन भी नहीं हो रहा है, कुछ आउट भी नहीं हो रहा है, तो डेल्टा ज़ीरो। लेकिन एडियाबेटिक में क्या इन और क्या आउट नहीं हो रहा है, हीट, ये ध्यान दो। तो डेल्टा क्यू ज़ीरो हो जाएगा एडियाबेटिक के लिए। तो ये भाई बहुत 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 ही इम्पॉर्टेंट कंटेंट है, टॉपिक है, ये थर्मोडाइनमिक्स का हार्ट है ऐसा आप कह सकते हो। ये अगर समझा तो थर्मोडाइनमिक्स में आप बहुत अच्छे से आगे बहुत सारी चीज़ें समझ सकते हो, और न्यूमेरिकल के टाइम बहुत काम आने वाला है ये, बिलीव मी, ट्रस्ट मी। तो ये पढ़ो अच्छे से, इसको रिवाइज करते जाओ अच्छे से, ठीक है, और आगे फिर अलग अलग डेरिवेशन करेंगे। मैं बार बार ये दोहराता भी रहूँगा आगे के वीडियोज़ में, लेकिन ये चैप्टर अच्छे से समझने के लिए, न्यूमेरिकल्स अच्छे से सॉल्व करने के लिए, ये स्टार्टिंग के 3-4 वीडियोज़ जो है वो अच्छे से एक बार देख लो, तो आगे बहुत ईजी जाएगा, प्लीज़ ट्रस्ट मी। तो ऐसे ही मज़ा करते रहिए, नई नई बातें जानते रहिए, आप फिज़िक्स पढ़ते रहिए, मैं फिज़िक्स पढ़ाता रहूँगा, क्योंकि फिज़िक्स हमारा। नमस्कार सभी को, नमस्कार, स्वागत है आप सबका यूट्यूब चैनल ज्ञान फ्रीडम पे। और अभी थर्मोडाइनमिक्स का नेक्स्ट सेशन, यानी कि वर्क जो होता है पिस्टन सिलेंडर सिस्टम जो है उसमें वर्क जो होता है, तो वो वर्क होता है पी इंटू डी वी, या इसको ऐसा लिख सकते हैं पी इंटू डेल्टा वी। तो इसका हम प्रूफ देखने वाले हैं, वी आर गोइंग टू प्रूव दिस, कि ये वर्क इज इक्वल्स टू पी डी वी होता है तो होता कैसे। देखो बहुत मज़ा आएगा, बहुत सिंपल है। वी टेक अ सिलेंडर एंड इन दैट सिलेंडर वी हैव अ पिस्टन, सो इट मीन्स वी हैव अ पिस्टन सिलेंडर सिस्टम। This is the piston which we have, this is the piston we have, and this is a big cylinder which we are having. So हमारे पास piston है, हमारे पास cylinder है, और एक मज़ेदार बात, यानी अंदर बहुत सारे molecules है, air molecules है, ऐसा हम कह सकते हैं, हज़ारों लाखों करोड़ों air molecules, the air molecules we have inside the cylinder. Now what will happen, you know, अभी ये जो piston है, या तो समझो हम नीचे से इसको गर्म करें,
we have बर्नर, वो समझो बर्नर से उसको कंटिन्यूसली हम हीट दे, तो वो कंटिन्यूस हीट के कारण वो जो गर्म होगा उसके कारण सारे एयर मॉलिक्यूल्स जो है, ऑल द एयर मॉलिक्यूल्स विल हैव द मोर अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, दे विल स्टार्ट कोलाइडिंग विथ ईच अदर. And by having that energy, it will push this piston up. और उसके कारण क्या होगा ना, ये piston थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा. Piston will expand. The new position of the piston will be something like this. इसका मतलब जो पहले यहाँ पर था वो भी ऊपर चला गया. तो देर इज़ अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पिस्टन एंड लेट्स दैट डिस्प्लेसमेंट वी डिनोट बाय एक्स, द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वी डिनोट इट बाय अमाउंट एक्स एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एरिया है, लेट टेक दैट एरिया एज ए. ओके, तो अभी देखो वर्क क्या होता है, ये हमें प्रूफ करना है ना. बेसिकली वर्क क्या होता है, वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. सो फॉर दैट मैटर व्हाट इज प्रेशर, प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया. देयरफॉर व्हाट इज फोर्स, इट इज प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया. सिंपल. सो दिस प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया, you substitute over here and check it out what you get, or let's we check it out what we get actually. So the work done, force ke jagah pe likhenge p into a into ye f into x hai, f ke jagah pe likhenge p into a into x. Abhi dekho mazedar baat hai, what is the unit of area, it is meter square. What is the SI unit of x, it is meter. In this meter into meter square, or this meter square into meter is meter cube, jo unit hota hai volume ka. Matlab ye jo area of cross section hai ye pura idhar se idhar swipe hua hai, ऊपर चला गया है. मतलब दिस मच ऑफ वॉल्यूम हैज बीन स्वाइप्ड बाय द पिस्टन. ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए मीटर स्क्वायर वाला पिस्टन यहां से ऊपर चला गया है, इट मींस एक्सपांड हुआ है पिस्टन. क्या हुआ है ये गैस मॉलिक्यूल्स, क्या हुआ है उसका एक्सपांशन हुआ है, उसने इसको धक्का मारा है ऊपर, उसको पुश किया है, उसके कारण ये ऊपर गया है और उसने इतना एरिया स्वाइप किया है. और ये डिस्टेंस एक्स है, तो एरिया ए एक्स डिस्टेंस से स्वाइप हुआ, तो हम कह सकते हैं उसने वॉल्यूम वी स्वाइप किया है. तो रेदर देन राइटिंग दिस एज ए इंटू एक्स विच इज मीटर स्क्वायर इंटू मीटर, दैट इज मीटर क्यूब विच इज वी, और ये पी एज इट इज रहेगा. और वर्क इज इक्वल्स टू पी इंटू वी, ये हमने डिराइव कर दिया. अब थोड़ा अलग अलग बात हो सकती है, ये x को आप वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट भी ले सकते हैं. ये जो x है ना, जो हमने एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट लिया है, उसको इन्फिनिटिजमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx भी ले सकते हैं. तो ये v के जगह पे हम इसको लिख सकते हैं dv, p into dv, where dv is very small change in volume. dv क्या है, स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम. और अगर इन्फिनिटिजिमली स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम, चलो वो भी लिख देता हूँ मैं, इन्फिनिटिजिमली स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम. और अगर मेजरेबल है प्रॉपर, मतलब 5 मीटर क्यूब से 9 मीटर क्यूब हो रहा है, तो 4 मीटर क्यूब दैट इज मेजरेबल, तो उतना है, तो उसको डेल्टा भी लिख सकते हैं. और फाइनली ये चेंज ही है ना,
सो दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल, सो वी टू माइनस वी वन. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क. डब्ल्यू इज इक्वल्स टू पी इंटू वी टू माइनस वी वन, यानी कि डब्ल्यू इज इक्वल्स टू पी वी. हेंस प्रूव्ड, बहुत ही सिंपल था, बस ये एक की पॉइंट है. वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट है. फिर यहाँ से बस हमने सब्स्टिट्यूट किया है और आगे 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 ये हमें मिला है. सो ये एक बढ़िया डेरिवेशन है, आप इसको रिवाइज कीजिए. और फिर हम ये वर्क आइसोबारिक सिस्टम के लिए, आइसोकोरिक के लिए, एडियाबेटिक के लिए, आइसोथर्मल के लिए क्या होता है वो डिराइव करेंगे. तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए, ऐसे ही मज़ा करते रहिए, नई नई बातें जानते रहिए. आप फिजिक्स पढ़ते रहिए, मैं फिजिक्स पढ़ाता रहूँगा, क्योंकि फिजिक्स हमारा, फिजिक्स तुम्हारा. नमस्कार सभी को, नमस्कार. अभी जैसे हमने प्रीवियस सेशन में देखा कि वी इज इक्वल्स टू वॉल्यूम, जो अगर चेंज होता है, ये स्वाइप होता है, तो W इज इक्वल्स टू पी वी, या तो पी डी वी या तो पी डेल्टा वी, ये हमने देखा, बराबर ना. तो इसमें ये जो W इज इक्वल टू पी इंटू वी टू माइनस वी वन है, ये आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए ज़ीरो होता है. तो आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए ज़ीरो कैसे होता है ये हम देखने वाले हैं. वर्क कितना होता है? ज़ीरो होता है. कौन सी प्रोसेस के लिए ज़ीरो होता है? आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए ज़ीरो होता है. तो कैसे वो ज़ीरो होता है ना, वो हम देख लेते हैं कि आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए वी टू माइनस वी वन ज़ीरो कैसे होता है. अभी फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस, फॉर दिस आइसोकोरिक प्रोसेस वी इज इक्वल्स टू सेम ना, वॉल्यूम तो सेम रहता है. तो वॉल्यूम अगर सेम रहता है तो वी वन का वैल्यू और V2 का वैल्यू वो तो सेम है, V मीटर क्यूब. तो V2 माइनस V1 क्या हो जाएगा? इट इज़ V माइनस V, क्योंकि V2 भी V है, V1 भी V है. तो V2 माइनस V1 हो जाएगा V माइनस V, जो होता है ज़ीरो. तो वर्क होता है P इंटू V2 माइनस V1. अब V2 माइनस V1 तो है ज़ीरो, और ज़ीरो मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज ज़ीरो. तो वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस इज ज़ीरो, ये ध्यान में रखो. चाहे वो एक्सपांशन हो रहा है, चाहे कंप्रेशन हो रहा है, वॉल्यूम अगर चेंज हो रहा है तो वो आइसोकोरिक प्रोसेस नहीं है, क्योंकि आइसोकोरिक में वॉल्यूम सेम रहता है. तो वो जो भी आइसोकोरिक प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस का नाम जो है आइसोकोरिक. तो आइसोकोरिक प्रोसेस जो है ना भाई, उसमें वर्क डन ज़ीरो होता है, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला होता है पी इंटू वी टू माइनस वी वन. लेकिन आइसोकोरिक प्रोसेस में वी सेम होता है, वॉल्यूम सेम होता है, इसलिए वी टू माइनस वी वन ज़ीरो हो जाता है, इसलिए वर्क भी ज़ीरो हो जाता है. दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट. तो अभी दूसरे प्रोसेसेस, यानी आइसोकोरिक में वर्क कितना होता है, एडियाबेटिक में वर्क कितना होता है, वो हम आगे के सेशंस में डिराइव करने वाले हैं. तो आप आगे का सेशंस कंटिन्यू देखते जाओ, आपको वहाँ पर वो डेरिवेशन मिलेगा. तो ऐसे ही मज़ा करते रहिए, नई नई बातें जानते रहिए. आप फिजिक्स पढ़ते रहिए, मैं फिजिक्स पढ़ाता रहूँगा, क्योंकि फिजिक्स हमारा, फिजिक्स तुम्हारा. नमस्कार सभी को, नमस्कार. अभी ये जो वर्क डन है वो हम अलग अलग प्रोसेस के लिए डिराइव कर रहे हैं. तो अभी आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए भाई वर्क डन कितना होगा ये हम चेक करने वाले हैं. तो स्टार्ट करते हैं इनिशियल स्टेप से. डी डब्ल्यू इज़ पी डी वी, बराबर ना. वर्क क्या होता है? पी इंटू डी डब्ल्यू. फिर व्हाट इज़ डी डब्ल्यू? स्मॉल वर्क डन. डी डब्ल्यू क्या है? वेरी स्मॉल वर्क डन, स्मॉल वर्क डन. और पी है प्रेशर, और डी वी है स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम. अभी समझो आइसोथर्मल है, तो आइसोथर्मल में कॉन्स्टेंट क्या होता है? आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, और यहाँ पर तो टेम्परेचर के बारे में कुछ दिया नहीं है, ठीक है. प्रेशर तो चेंज हो सकता है आइसोथर्मल प्रोसेस में, ये आइसोबारिक के लिए काम आएगा. तो
आइसोथर्मल में तो क्या चेंज हो सकता है, प्रेशर चेंज हो सकता है, तो क्या करते हैं ना हम, आइडियल गैस इक्वेशन यूज़ करते हैं, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, देयरफॉर पी को लिखेंगे एन आर टी डिवाइडेड बाई वी, पी को क्या लिखेंगे एन आर टी डिवाइडेड बाई वी, मतलब ये जो पी है उसके जगह पे अब लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा बोलो, एन आर टी डिवाइडेड बाई वी लिखा जाएगा, होल मल्टीप्लाइड बाई डी वी, ठीक है। अभी हमको टोटल वर्क चाहिए, सो टोटल वर्क कैसे मिलेगा, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वेरी स्मॉल वर्क डन, मतलब टोटल वर्क को समझो कैपिटल W से अगर डिनोट करते हैं हम, तो टोटल वर्क कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ DW, वेरी DW इज वेरी स्मॉल वर्क डन। अभी DW का वैल्यू क्या है ये हमको पता है, और DW में हम फंक्शन क्या है हमारा DV, और ये 1/V को हम इंटीग्रेट करेंगे, DW ये रहा ना, ये वैल्यू तो है DW का हमारे पास, तो DW का वैल्यू क्या करते हैं ना हम इधर सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ NRT डिवाइडेड बाई वी इंटू DV, ये है हमारा टोटल वर्क कैपिटल W। अब आगे का स्टेप देखो मज़ेदार है, आगे के स्टेप में हम क्या करेंगे, कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे, क्या करेंगे कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे, तो देयरफॉर देखो हम क्या लिख रहे हैं, देयरफॉर W इज इक्वल्स टू NRT, उसको हमने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/V को वैसे का वैसे ही रखा इंटू DV, NRT 1/V इंटू DV, और लिमिट रख देते हैं V1 से लेकर V2, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया, देयरफॉर W क्या हो गया, W देयरफॉर W हो जाएगा NRT, मुझे बताओ 1/V DV इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx क्या होता है, log ऑफ x, लेकिन वो log टू द बेस e होता है, ये ध्यान में रखो, उसको बोलते हैं नेचुरल लॉगरिथम, क्या बोलते हैं नेचुरल लॉगरिथम, log टू द बेस 10 होता है, log टू द बेस कुछ भी हो सकता है, लेकिन यह है log ऑफ फंक्शन टू द बेस e, log ऑफ कोई भी एक x है टू द बेस e, तो यहाँ पर 1/V dv, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/V होगा log ऑफ v टू द बेस e, और अभी लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये रहा लोअर लिमिट, ये रहा हायर लिमिट, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब वही हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो देयरफॉर W क्या हो जाएगा, W हो जाएगा बोलो NRT, पहले रखने का ये अपर लिमिट, सो जहाँ जहाँ है V वहाँ वहाँ आएगा अपर लिमिट, तो वो हो जाएगा log ऑफ V2 टू द बेस e, माइनस जहाँ जहाँ है V वहाँ वहाँ आएगा ये लोअर लिमिट, log टू द बेस e V1। अब log m माइनस log n क्या होता है सब जानते हो आप, log ऑफ m माइनस log ऑफ n, log m माइनस log n होता है log ऑफ m बाई n, तो यहाँ पर log ऑफ v2 और माइनस में जो log ऑफ v1 है वो हो जाएगा log ऑफ v2 बाई v1, और ऑफ कोर्स बेस में रहेगा e, log ऑफ v2 बाई v1 टू द बेस e, और उसका जो प्रीफिक्स है NRT वो वैसे का वैसे ही रहेगा, और ये बन गया हमारा टोटल वर्क डन फॉर किसके लिए बताओ, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए व्हेन वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम V1 टू V2। नाउ दिस log टू द बेस e जनरली सब्स्टिट्यूटेड एज टू अल्फाबेट्स स्मॉल n एंड स्मॉल n, स्मॉल l और स्मॉल n, मतलब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि W इज इक्वल्स टू
NRT, इसको देखो ऐसे लिखे, नेचुरल लॉगरिथम V2 बाय V1, ओके। और ये अगर नेचुरल लॉगरिथम को आपको लॉग टू द बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो आपको मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा 2.303 से। तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे 2.303 से तो आपका नया एक्सप्रेशन बन जाएगा W इज इक्वल्स टू 2.303 NRT लॉग टू द बेस ई V2 बाय V1। ये आपका नया एक्सप्रेशन बन जाएगा। इतने सारे फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं, बस ये एक याद रखो, NRT लॉग टू द बेस ई V2 बाय V1। बाकी 2.303 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये लॉग टू द बेस ई नहीं रहेगा, ये लॉग टू द बेस 10 बन जाएगा। यहाँ पर गलती से लॉग टू द बेस ई लिखा था, मैंने क्या बोला 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ई को 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बन जाएगा लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 10। तो ये क्या है, बेस 10 है, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान रखो ये क्या है, बेस 10 है, 2.303 NRT लॉग टू द बेस 10 V2 बाय V1, ठीक है ना। वो जरा गलती से ई लिखा मैंने, यहाँ पर 10 आएगा, लॉग टू द बेस 10। मतलब टेक्स्ट बुक में और बहुत सारी जगह पे ये लॉग टू द बेस 10 वाली वैल्यू भी आपको मिलेगी, ठीक है। तो वो उसमें क्या करना है वो ध्यान रखिएगा। और अभी सर ये तो V2 और V1 के फॉर्म में हुआ, हमको P2 और P1 के फॉर्म में चाहिए रहेगा तो क्या करें सर, बताओ जरा। तो चलो वो भी देख लेते हैं। और जब न्यूमेरिकल करोगे ना तो एक बात बता देता हूँ लगे हाथ, लॉग टेबल जो है उसमें जो भी वैल्यू है वो लॉग टू द बेस 10 है, लॉग ऑफ कुछ भी नंबर टू द बेस 10 है, इसलिए ये फॉर्मूला ज़्यादा काम का है जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तभी। लेकिन वो आसानी से याद हो जाता है ना, मल्टीप्लाइंग फैक्टर तो मैंने बता दिया, वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है, दैट मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज 2.303, बस वो याद रखो हो जाएगा काम। बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है, देखो आपके स्क्रीन के सामने है, स्क्रीनशॉट ले लो और पूरा स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप देखते जाओ, ये पूरा सही से फ्लो में डेरिवेशन जा रहा है और सब छोटी छोटी बातें भी मैंने आपको समझा दिए, ठीक है ना। अभी ये मैंने क्या बोला, V2 बाय V1 है, उसको P2 और P1 के टर्म में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे। तो चलो मैं एकदम जो फंडामेंटल फॉर्मूला है वो सबसे पहले वापस लिख देते हैं एक बार। सो W इज इक्वल्स टू 2.303 NRT लॉग टू द बेस 10 V2 बाय V1। अब प्रोसेस तो है भैया आइसोथर्मल, तो T तो सेम रहेगा, तो PV इज इक्वल्स टू NRT, T तो कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स जो है N वो भी कांस्टेंट है, R तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, यानी कि PV कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है भैया, PV कांस्टेंट है, इसका मतलब होता है P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। क्या होता है इसका मतलब, P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2, देयरफॉर V2 बाय V1 होता है P1 बाय P2। और यही वैल्यू जब यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यही वैल्यू जब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमको मिलेगा, क्या मिलेगा बोलो, W इज इक्वल्स टू 2.303 NRT लॉग टू द बेस 10 P1 बाय P2। मतलब ये मिल गया फॉर्मूला P1 बाय P2 के टर्म्स में, समझे कि नहीं, ओके आ गई बात समझ में, हो गया क्लियर। 2.303 NRT लॉग टू द बेस 10 P1 बाय P2। तो अभी सारे फॉर्मूला को समराइज्ड कर देते हैं कि W इज इक्वल्स टू PdV से शुरू किया था, या तो DW इज इक्वल्स टू PdV से शुरू किया था, लेकिन ये आइसोबारिक के लिए काम आएगा, आइसोकोरिक में तो वो ज़ीरो हो जाता है क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। फिर आज ये सेशन में हमने डेरिवेशन में क्या देखा कि भाई आइसोथर्मल के लिए क्या होता है,
तो आइसोथर्मल के लिए जितने भी फॉर्मूला डिराइव किए उसको समराइज कर देता हूँ। सबसे पहले हमको मिला एन आर टी लॉक टू द बेस ई वी टू बाई वी वन, इसको मल्टीप्लाई किया 2.303 से तो वो हो गया 2.303 एन आर टी लॉक टू द बेस 10, अंदर की वैल्यू एज इट इज़ वी टू बाई वी वन। और अगर पी के टर्म्स में आंसर चाहिए तो वी टू का वी टू बाई वी वन हो जाएगा पी वन बाई पी टू, सो 2.303 एन आर टी लॉक टू द बेस 10 पी वन बाई पी टू, इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला न्यूमेरिकल के लिए भी एमसीक्यू के लिए भी बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखो, ऐसे ही पढ़ाई करते रहो, समझे। अब अगले लेक्चर में मैं एडियाबेटिक के लिए क्या आएगा ना वो आपको बताऊंगा। बहुत लोग ऐसे उन्होंने बोला कि सर लंबा लंबा लेक्चर भी भेजते जाओ, 40 मिनट का, पौने घंटे का, एक घंटे का लेक्चर भी भेजते जाओ। मैं पर्पसली ना हर एक लेक्चर को स्प्लिट कर रहा हूँ एक एक टॉपिक में, मतलब समझो पूरे चैप्टर को अगर 3-4 घंटे लगते हैं या 2-3 घंटे लगते हैं तो मैं क्या करता हूँ उसको 15-15 10-10 मिनट में स्प्लिट करके अलग अलग सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ, ताकि कोई भी इंडिविजुअल टॉपिक हो तो आप उसको फटाक से देख सके। क्योंकि एक घंटे का वीडियो मैं बनाऊंगा ना तो उसमें आप ढूंढते रह जाओगे कि ये टॉपिक किधर है वो टॉपिक किधर है, तो इसलिए पर्पसली सेपरेट टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ, उसको कंपाइल करके एक प्लेलिस्ट बना दी वो चैप्टर की। जैसे थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर के भी प्लेलिस्ट में ये वीडियो भी ऐड हो गया और अगला वीडियो भी ऐड होता जाएगा। जैसे एडियाबेटिक का वर्क कितना होगा, फिर उसका ग्राफ करेंगे वो कितना होगा, फिर हीट इंजन कितना होगा, हीट पंप कितना होगा, उसके न्यूमेरिकल करेंगे, तो सब करेंगे, टेंशन मत लो, बस वो प्लेलिस्ट रेफर करो, ठीक है। और दोस्तों को बताओ कि भाई पूरा पूरा चैप्टर आ रहा है, बहुत शॉर्ट टाइम है, इधर से डेरिवेशन वगैरह अच्छे से सीख सकते हो और आप भी सही से सीखो टाइम वेस्ट किए बिना। तो ऐसे मज़ा करते रहिए, नई नई बातें जानते रहिए, आप फिजिक्स पढ़ते रहिए, मैं फिजिक्स पढ़ाता रहूँगा क्योंकि फिजिक्स हमारा फिजिक्स तुम्हारा। नमस्कार सभी को, नमस्कार। अभी आज के लेक्चर में अभी हम करने वाले हैं वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस, उसका डेरिवेशन, लेकिन पर्पसली मैंने आइसोथर्मल प्रोसेस आपके सामने रखा है और ये फ्रेश पेज है जिस पे हम एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए डिराइव करने वाले हैं, डेरिवेशन करने वाले हैं। DW इज इक्वल टू PdV वही स्टेप से शुरू होगा जहाँ हमने आइसोथर्मल वाले वीडियो लेक्चर में शुरू किया था, लेकिन एक फ़र्क होगा कि यहाँ पर PV इज इक्वल टू NRT था, वो फ़र्क होगा कि एडियाबेटिक में गामा फैक्टर आता है, गामा, और उस गामा को हम कहते हैं एडियाबेटिक कांस्टेंट। बस वो एक फ़र्क होगा, छोटा सा, एक आपके लिए छोटा सा, लेकिन वो गामा बहुत ही बड़ा पैरामीटर है, डिस्टिंग्यूस फैक्टर है आइसोथर्मल और एडियाबेटिक के बीच में, ठीक है। तो बस ये पर्पसली दिखा रहा था, प्रीवियस लेक्चर में ये पूरा मिला है आपको, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी है। अब शुरू करते हैं हम वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस। तो ये स्मॉल वर्क है, ठीक है, ये DW क्या है, स्मॉल वर्क, ओके, सो दिस इज वेरी वेरी स्मॉल वर्क यू कैन से, विच इज़ DW। उसको जब इंटीग्रेट करता है तो हमको टोटल वर्क मिलता है। तो फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस PV रेज टू गामा इज इक्वल्स टू NRT, ऐसा मत लिखना कि PV इज इक्वल्स टू NRT, रेदर PV रेज टू गामा इज इक्वल्स टू NRT, देयरफॉर P इज इक्वल्स टू NRT होल डिवाइडेड बाई V रेज टू गामा। और अब क्या होगा, सब्सटीट्यूशन होगा ये P के जगह पर, तो क्या मिल जाएगा बोलो, देयरफॉर DW इज इक्वल्स टू NRT होल डिवाइडेड बाई V रेज टू गामा इंटू DV, देयरफॉर DW इज इक्वल्स टू NRT, ये V रेज टू गामा को ना ऊपर लेकर जाते हैं, तो जब हम ये V रेज टू गामा को ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या मिलेगा बोलिए, V रेज टू माइनस गामा और DV रहेगा एज इट इज। अब हमको चाहिए टोटल वर्क, इफ़ वी इंटेंड टू फाइंड द टोटल वर्क, सो टोटल वर्क कैसे मिलेगा, इंटीग्रेट करके। टोटल वर्क अगर ढूंढना है तो इंटीग्रेट करना होगा, किसको इंटीग्रेट करना होगा, स्मॉल वर्क को, वेरी स्मॉल वर्क जो है, इन्फिनिटिजिमली स्मॉल वर्क जो है DW, उसको इंटीग्रेट करना होगा। देयरफॉर इसी को हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में
लिख सकते हैं W इज इंटीग्रेशन ऑफ DW. DW इज वेरी स्मॉल वर्क, और उसको जब इंटीग्रेट किया जाएगा तब हमको टोटल वर्क मिलेगा. और हम कौन से सिस्टम की बात कर रहे हैं? एडियाबेटिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं, एडियाबेटिक सिस्टम की बात कर रहे हैं. ओके, बाकी ऑलमोस्ट 70-80% डेरिवेशन आइसोथर्मल जैसा ही है, बस थोड़ा सा ये गामा फैक्टर का थोड़ा सा फ़र्क है. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. देयरफॉर W को देखो मैं क्या लिखता हूँ, क्या लिखेंगे W को बोलो? इंटीग्रेशन ऑफ DW. और DW क्या है भाई? वो है NRT वी रेज टू माइनस गामा इंटू DV, और फंक्शन ऑफ V है वी रेज टू माइनस गामा, और ये ऑपरेटर है DV, और इंटीग्रल ये ऑपरेटर इंटीग्रल साइन है, और DV के रिस्पेक्ट में करना है. अब इंटीग्रेशन तो NRT तो कांस्टेंट है, तो उसको बाहर निकाल देते हैं इंटीग्रल साइन के, तो W हो जाएगा, therefore W हो जाएगा NRT इंटीग्रेशन ऑफ वी रेज टू माइनस गामा DV. क्या हो जाएगा? NRT वी रेज टू माइनस गामा DV. अब मुझे बताओ x रेज टू n का डेरिवेटिव क्या होता है और इंटीग्रेशन क्या होता है? अभी इंटीग्रेशन चाहिए तो वही देखते हैं डायरेक्ट. x रेज टू n dx क्या होता है? ये जो उसका पावर है, वो पावर को एक से बढ़ाना होता है और उसी को डिनोमिनेटर में लिखना होता है. सो x रेज टू n dx, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n dx इज x रेज टू n+1/n+1. तो यहाँ पर जो पावर है, जो है माइनस गामा, पूरा का पूरा पावर है माइनस गामा, उसको एक से बढ़ाएंगे. ठीक है, उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ लिमिट लिख देते हैं V1 से V2. V1 है लोअर लिमिट, V2 है अपर लिमिट, और ये डेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया, मतलब वॉल्यूम V1 से V2 चेंज हो रहा है. अभी जो इंटीग्रेशन की प्रोसेस है, ये ऑपरेटर जो करने वाला है ऑपरेशन इंटीग्रेशन, वो करते हैं. तो ये हो जाएगा NRT. V का पावर क्या है? देखो V रेज टू माइनस गामा का हो जाएगा वी रेज टू माइनस गामा प्लस वन होल डिवाइडेड बाई माइनस गामा प्लस वन, और एक लिमिट आ जाएगी लोअर लिमिट और अपर लिमिट V1 V2. ये माइनस गामा प्लस वन जो है उसको बाहर निकाल दो, NRT अपॉन माइनस गामा प्लस वन. बहुत लोग इनको 1-γ भी लिखते हैं, वो सही है, गलत नहीं है. माइनस गामा प्लस वन इज 1-γ, ऐसा भी लिख सकते हैं. और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? ब्रैकेट में आ जाएगा वी रेज टू माइनस गामा प्लस वन V1 से लेकर V2 तक आ जाएगा. ठीक है, तो अभी क्या करेंगे? ये तो कांस्टेंट है, बाहर है. अब अपर लिमिट को सब्स्टिट्यूट करेंगे, माइनस करके लोअर लिमिट को सब्स्टिट्यूट करेंगे. डेफिनेट इंटीग्रेशन में तो वही किया जाता है. तो अभी ऐसे कैसे लिखते हैं? NRT माइनस गामा प्लस वन, ब्रैकेट में क्या आएगा? जहाँ जहाँ V है वहाँ वहाँ अपर लिमिट आ जाएगी, यानी कि V2 आ जाएगा. सो V2 होल रेज टू माइनस गामा प्लस वन माइनस जहाँ जहाँ V है वहाँ पे लोअर लिमिट आ जाएगी, मतलब कि V1 आ जाएगा. एक्सटर्नल नॉइस को इग्नोर किया जाए, ठीक है, तो जहाँ जहाँ V है वहाँ वहाँ पर V1 आ जाएगा. तो V1 होल रेज टू माइनस गामा प्लस वन, ऐसा एक स्ट्रक्चर बन जाएगा. तो ये हो गया हमारा फाइनल एक्सप्रेशन, वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस. अभी इसको माइनस गामा प्लस वन लिखो कि 1-γ लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको जैसे सही से याद रखना होता है. मैं ऐसे लिखता हूँ पर्पसली, ऐसे याद रखता हूँ कि V की जो पावर है ना, यहाँ पर V की जो पावर है वही यहाँ पर डिनोमिनेटर में वही पैरामीटर आने वाला है, मतलब V का जो भी पावर है वही पैरामीटर डिनोमिनेटर में लिखना है. अगर ये माइनस गामा प्लस वन है ना, तो ये माइनस गामा प्लस वन. अगर V2 रेज टू 1-γ लिखोगे तो डिनोमिनेटर में भी फिर 1-γ ही लिखना, क्योंकि V के सर पे जो होगा, V का जो पावर होगा वही लिखना है. मैं ऐसे याद रखता हूँ, तो जिनको वैसे याद रखना है वो वैसे याद रखो. ये फाइनल आंसर हो गया माइनस गामा प्लस वन में, इसको 1-γ के टर्म्स में लिख देते हैं, आपकी मर्जी. अगर ऐसे लिखना है तो NRT 1-γ V2 होल रेज टू 1-γ माइनस V1 होल रेज टू 1-γ. दिस इज द वर्क डन फॉर व्हाट? फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस. थोड़ा डिफिकल्ट है एक्सप्रेशन,
लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा. दिस इज टोटल वर्क डन फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, आइदर एक्सपेंशन कंप्रेशन वट एवर. टोटल वर्क डन फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है ना. ये हो गया टोटल वर्क इन एडियाबेटिक प्रोसेस. तो हर एक प्रोसेस में हमने वर्क डन फाइंड कर लिया है, इंट्रोडक्शन से लेकर धीरे धीरे सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है, चारों प्रकार की जो प्रोसेस है, आइसोथर्मल है, आइसोबारिक है, आइसोकोरिक है, एडियाबेटिक है, उसके बारे में डिटेल में बताया, उसके वर्क हमने फाइंड किए. अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है उसके बारे में बताऊँगा, फिर चारों प्रोसेस के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के इक्वेशन लिखूँगा, वो आपको एक्सप्लेन करूँगा, हीट इंजन एक्सप्लेन करूँगा, कार्नोट साइकिल वगैरह वगैरह एक्सप्लेन करूँगा, उसके न्यूमेरिकल सिखाऊँगा, इन शॉर्ट पूरा चैप्टर कराऊँगा, बाकी के जो चैप्टर्स है वो भी कराऊँगा, मतलब ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस हो जाएगा. तो परीक्षा अच्छे से देनी है, एग्ज़ाम अच्छे से देनी है, ऐसे ही पढ़ते रहो, कीप लर्निंग, ऐसे ही मज़ा करते रहिए, नई नई बातें जानते रहे. आप फिज़िक्स पढ़ते रहिए, मैं फिज़िक्स पढ़ाता रहूँगा, क्योंकि फिज़िक्स हमारा, फिज़िक्स तुम्हारा. नमस्कार सभी को, नमस्कार. अभी ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बट स्टिल आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन एज सिंपल एज पॉसिबल. तो पहले तो एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि चलो एक आदमी है और ठीक है उनको, और वो आदमी को हम समझो 100 रुपये देते हैं, ठीक है. वी गिव 100 रुपी टू दैट पर्सन, और उनको ना समझो एक जगह से दूसरे जगह पे जाना है, समझो विरार से चर्चगेट जाना है, तो जो भी टिकट के पैसे होंगे वो लगेंगे और जो भी बाकी के पैसे होंगे वो खर्च करेंगे. तो समझो एक्स रुपीज़ जो है वो टिकट के लग गए और वाई रुपीज़ जो भी बचेंगे वो क्या करेंगे, खर्च करेंगे, ठीक है. वो वाई रुपीज़ खर्च होगा और एक्स रुपीज़ कहाँ पर जाएगा, टिकट में जाएगा, ठीक है. तो ऐसे कर सकते हैं, एक्स रुपीज़ जो है उसको ऐसे 30 या तो 70 ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, कोई भी ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना हो. सो ये 30 रुपये है तो यहाँ पर जो 70 रुपये बचे हैं वो खर्चा करेंगे, ठीक है. वो अगर यहाँ पर 60 रुपये खर्च हो रहे हैं तो यहाँ पर 40 रुपये हो जाएंगे. सिंपल, मतलब टोटल जो है वो 100 ही होना है. मतलब ये टोटल जो 100 रुपये है वो कुछ भी करे, टिकट ले, खर्चा करे, पूरा का पूरा 100 रुपये खर्चा करना है उनकी मर्ज़ी, पूरा का पूरा 100 रुपये टिकट पे यूज़ करना है उनकी मर्ज़ी, लेकिन टोटल 100 है, 100 से ज़्यादा नहीं हो सकता. वैसे ही जो सिस्टम होती है ना, थर्मोडायनेमिक सिस्टम, हम जिसे पिस्टन बोलते हैं और फिर सिलेंडर बोलते हैं, तो ये पिस्टन सिलेंडर सिस्टम जो है उसमें जो गैस मॉलिक्यूल है ना भाई, उसके बारे में बात करते थोड़ी. तो ये जो पिस्टन सिलेंडर सिस्टम में वी हैव द गैस मॉलिक्यूल्स, तो ये जो गैस मॉलिक्यूल्स है बहुत सारे, तो वो गैस मॉलिक्यूल्स की कुछ इंटरनल एनर्जी होती है, ठीक है. अभी उसको समझो हमने हीट दिया, हीट अभी क्यू क्या है पहले मैं सिंबल बता देता हूँ. क्यू इज हीट एनर्जी, हीट गिवन, हीट सप्लाइड, जो आपको बोलना है बोलो, हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, हीट गिवन टू द सिस्टम, हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सिस्टम, कुछ भी हो सकता है. W है वर्क डन, W क्या है, वर्क डन, और U है इंटरनल एनर्जी. U क्या है, इंटरनल एनर्जी. अभी और एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने ये टिकट का पैसे का एग्जांपल दिया, अभी एक पार्ले जी बिस्किट का एग्जांपल देता हूँ, या तो कोई भी फूड प्रोडक्ट का एग्जांपल देता हूँ. चलो एक छोटा बच्चा है जो खेल रहा है, उसको हम क्या करते हैं, पार्ले जी बिस्किट देते हैं, तो वो पार्ले जी बिस्किट खाएगा, वो इंटेक करेगा वो, ठीक है. तो वो पार्ले जी बिस्किट वो दो पार्ट में यूज़ करेगा, एक तो उसको जो भूख लगी होगी, ठीक है, ये गिवन टू द सिस्टम, और हमारी सिस्टम अभी ये एक क्लिप आर्ट है छोटा सा, उसको एक छोटा सा बच्चा मान लेते हैं, तो उसको हम पार्ले जी बिस्किट दे रहे हैं, तो वो पार्ले जी बिस्किट से क्या करेगा, वो थोड़ा सा वर्क करेगा, वो खा के उसका पेट भर जाएगा, उसको बहुत ताकत मिल जाएगी और थोड़ा सा वर्क करेगा वो, और बाकी का जो भाग है ये पार्ले जी बिस्किट का एनर्जी कंटेंट जो है वो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा. इंटरनल एनर्जी, अगर आपने पोपाई कार्टून देखा है तो उसमें वो पालक खाता है, पालक खाते ही क्या हो जाता है,
उसकी ताकत बढ़ जाती है और वो जो भी विलन है उसको फिर वो मारता है, मतलब कुछ वर्क करता है। मतलब जो पालक खाया, जो इनपुट है, वो इनपुट को दो पार्ट में यूज़ किया, एक तो वर्क और दूसरा उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है, बाद में बहुत उत्साह में होता है वो। यही बात अगर हम छोटा भीम कार्टून में अप्लाई करें तो वो लड्डू खाता है, मतलब इनपुट देता है सिस्टम को, और लड्डू खा के वो जो भी विलन है कालिया या तो जो भी कैरेक्टर है उसको मारता है, मतलब वो कुछ वर्क करता है और बाकी का जो भाग है लड्डू से जो भी एनर्जी बाकी की मिली वो मारा मारी करने में, वर्क करने में यूज़ हुई, और बाकी की एनर्जी किस में यूज़ होगी, इंटरनल एनर्जी चेंज करने में। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स का ये स्टेटमेंट है, डेल्टा क्यू और सिर्फ क्यू इज इक्वल्स टू आधा भाग जाएगा वर्क करने में और आधा भाग जाएगा इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में। मैंने ये वर्ड यूज़ किया आधा भाग, इसका मतलब अगर इक्वली डिवाइड हो तो, लेकिन अगर समझो अनइक्वली डिवाइड है तो जो हीट एनर्जी सप्लाइड टू द सिस्टम है वो हीट एनर्जी सप्लाइड टू द सिस्टम कुछ वर्क होगा और कुछ इंटरनल एनर्जी चेंज होने में यूटिलाइज होने वाला है। वेयर डेल्टा इज जस्ट चेंज, डेल्टा इज जस्ट अ चेंज, इधर भी डेल्टा लिखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ W लिखता हूँ पर्पसली ताकि कितना वर्क हुआ वो पता चले, चेंज इन वर्क भी हो सकता है, लेकिन फाइनली ऐसे याद रखा है ना हमने कि जो हीट सप्लाई किया है, चेंज इन हीट इज इक्वल टू चेंज इन वर्क प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी। लेकिन ये एग्जाम्पल से समझ जाता है कि जो हीट हमने दे रखी है वो हीट को दो पार्ट में यूज़ कर रहे हैं, एक पार्ट है वर्क डन, दूसरा पार्ट है इंटरनल एनर्जी बढ़ाना। अभी लगे हाथ इसका साइन कन्वेंशन भी हम यूज़ कैसे करना है वो मैं अभी बता देता हूँ। हीट सप्लाइड टू द सिस्टम हमेशा पॉजिटिव लेना है और हीट एक्सट्रैक्टेड या तो हीट गिवन आउट उसको नेगेटिव लेना है। ये हीट यानी क्या, क्यू। तो जब हीट सप्लाइड होगी सिस्टम को तब उसको पॉजिटिव लेना है और हीट जब एक्सट्रैक्टेड है तब उसको नेगेटिव लेना है, ठीक है। अगर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, इंटरनल एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, यू अगर इंक्रीज हो रहा है तो डेल्टा यू पॉजिटिव लेना है, और इंटरनल एनर्जी अगर डिक्रीज हो रही है तो डेल्टा यू को नेगेटिव लेना है, ठीक है। वर्क अगर सिस्टम कर रहा है सराउंडिंग पे, मतलब एक्सपांशन हो रहा है, तो एक्सपांशन के लिए वर्क पॉजिटिव लेना है, ठीक है। और वर्क अगर सिस्टम पे हो रहा है, मतलब कंप्रेस हो रहा है, अगर कंप्रेशन हो रहा है अगर, तो वर्क नेगेटिव लेना है। तो जो सप्लाइड की है हीट वो पॉजिटिव, जो एक्सट्रैक्टेड या तो गिवन आउट है सराउंडिंग को वो नेगेटिव। अगर एक्सपांड हो रहा है तो पॉजिटिव वर्क, कंप्रेस हो रहा है नेगेटिव वर्क। इंटरनल एनर्जी अगर इंक्रीज हो रही है डेल्टा यू पॉजिटिव, इंटरनल एनर्जी अगर डिक्रीज हो रही है डेल्टा यू नेगेटिव, एज सिंपल एज दैट। तो अभी के नेक्स्ट एक सेशन होगा उसमें हम क्या करेंगे कि ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स जो है, तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स के चारों सिस्टम के लिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स जो है वो चारों सिस्टम के लिए उसके एक्सप्रेशन लिखेंगे। कौन सी, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल और एडियाबेटिक, इन चारों सिस्टम के लिए हम कुछ ना कुछ जो भी एक्सप्रेशन होंगे वो लिखेंगे और एक टेबल बना देंगे, और वो टेबल आप अच्छे से रेफ़र कर सकते हो। न्यूमेरिकल वगैरह भी सॉल्व करें तब वो टेबल बहुत काम आने वाला है और एक हैंडी सोर्स हो जाएगा जिससे आप फॉर्मूला सारे एक साथ रिवाइज कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स में मतलब क्यू, डब्ल्यू और डेल्टा यू में सिर्फ डब्ल्यू के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल और एडियाबेटिक के। फिर और भी क्या क्या चेंजेस है मैं आपको बताते जाता हूँ, अलग अलग बहुत सारी क्लिप है, उसको थर्मोडाइनेमिक्स नाम के प्लेलिस्ट में मैंने कंपाइल करके रखा है। जो टॉपिक आपको डाउट लगे, जो इंडिविजुअल पढ़ना हो पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही मज़ा करते रहिए, नई नई बातें जानते रहिए, आप फिजिक्स पढ़ते रहिए, मैं फिजिक्स पढ़ाता रहूँगा, क्योंकि फिजिक्स हमारा। नमस्कार।
थर्मोडाइनमिक्स टॉपिक का ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है थर्मोडाइनमिक्स चैप्टर का। तो हीट इंजन एक्चुअली क्या होता है ना, इसके पहले स्टार्ट करने से पहले मैं दो बात आपको बता दूँ, एक होता है इनपुट और दूसरा होता है आउटपुट। उस पर्टिकुलर इनपुट से कितना आउटपुट हमें मिला है वो हमें देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत सिंपल सी टर्मिनोलॉजी है इनपुट और ये है आउटपुट। ओके, तो इसमें ऐसा दो टेम्परेचर रिजर्वायर होते हैं, ये है हमारा मेन हीट इंजन, ये मैं स्कीमेटिक डायग्राम बना रहा हूँ। ओके, तो ये जो दो ट्रायंगुलर सॉरी रेक्टेंगुलर डब्बे दिख रहे हैं आपको, ट्रायंगल नहीं रेक्टेंगुलर डब्बे जो दिख रहे हैं वो टेम्परेचर रिजर्वायर है। क्या है? टेम्परेचर रिजर्वायर। तो ये है हाई टेम्परेचर रिजर्वायर और ये है लो टेम्परेचर रिजर्वायर। पूरा लिखना है तो लिख देते हैं, दिस इज हाई टेम्परेचर रिजर्वायर एंड दिस इज लो टेम्परेचर रिजर्वायर। ठीक है ना, तो एक है हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, एक है लो टेम्परेचर रिजर्वायर और ये जो है ये है हमारा हीट इंजन HE। HE मतलब क्या? ये है हमारा एक्चुअल हीट इंजन। अभी हीट इंजन क्या करता है ना, हीट इंजन कन्वर्ट्स हीट एनर्जी टू वर्क। हीट इंजन जो है वो हीट एनर्जी से वर्क कन्वर्ट करता है। इसका टेम्परेचर कितना है समझो, इसका टेम्परेचर है T1 डिग्री सेल्सियस बोलो केल्विन बोलो, और लो टेम्परेचर रिजर्वायर जो है उसका टेम्परेचर है T2। तो अभी हीट इंजन जो है वो क्या करेगा, ये हाई टेम्परेचर रिजर्वायर है जिसके पास बहुत सारी हीट है, उससे थोड़ी सी हीट लेगा एंड द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड इज Q1। उसको ऐसा बोल देते हैं Q1। वन यानी ऊपर वाला हाई टेम्परेचर रिजर्वायर और टू यानी नीचे वाला जैसे कि लो टेम्परेचर रिजर्वायर। ठीक है, तो ये Q1 अमाउंट ऑफ हीट जो है उससे हीट इंजन क्या करने वाला है, हीट इंजन कुछ वर्क करने वाला है। तो उससे क्या करेगा, वो थोड़ा सा वर्क करेगा, लेकिन समझो ये 100 रुपये है तो ये वर्क जो है वो 100 रुपये का नहीं हो सकता, वो 60 रुपये का हो सकता है, 65 का हो सकता है, 70 का हो सकता है। तो बाकी के जो बचे हुए पैसे हैं वो यहाँ पे ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे, उसको बोलते हैं Q2 एंड दिस इज अमाउंट ऑफ हीट एमिटेड टू द लो टेम्परेचर रिजर्वायर बाय हीट इंजन। और यही है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स कि आप हीट को वर्क में कम्प्लीटली कन्वर्ट नहीं कर सकते, हीट कैन नॉट बी कन्वर्टेड कम्प्लीटली इंटू वर्क, हीट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इंटू 100% ऑफ वर्क एंड एक्चुअली दिस स्टेटमेंट इज नथिंग बट द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जैसे मैंने बोला कि 100 रुपये आए तो 100 रुपये दो भाग में विभाजित हो जाएंगे, दिस 100 रुपी विल गेट स्प्लिट इंटू टू पार्ट्स। तो फर्स्ट इज Q1 एंड दैट विल गेट स्प्लिटेड इंटू टू पार्ट एज W प्लस Q2। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। ओके, दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट नो दिस। Q1 इज इक्वल्स टू W प्लस Q2, वेर W क्या है, W इज अमाउंट ऑफ वर्क दैट वी आर डूइंग। वॉट इज W? W इज अमाउंट ऑफ वर्क दैट वी आर डूइंग। Q1 क्या है, हीट एब्जॉर्ब्ड। Q1 क्या है, हीट एब्जॉर्ब्ड, मैं उस पर्टिकुलर सिंबल के सामने ही लिख रहा हूँ। और Q2 क्या है, हीट रिलीज्ड या तो हीट एमिटेड टू द लो टेम्परेचर रिजर्वायर। तो अभी शायद आपको समझ में आ गया होगा कि हीट इंजन एक डब्बा है जो हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से Q1 हीट लेता है, उससे कुछ W अमाउंट ऑफ वर्क करता है और बाकी का Q2 अमाउंट ऑफ हीट
बाहर फेंक देता है। आप एक बाइक अज्यूम करो, हीरो होंडा बाइक अज्यूम करो, पल्सर अज्यूम करो, बुलेट जो भी आपको पसंद हो, KTM जो भी बाइक आपको पसंद हो वो अज्यूम करो, और उसके अंदर एक इंजन होता है, इंजन, और उसके अंदर पेट्रोल है या तो कोई भी डीजल व्हीकल है, पेट्रोल व्हीकल है, तो उसके अंदर पेट्रोल और डीजल जो है वो इंजन में वो पेट्रोल डीजल फ्यूल जो है वो जलाने का काम करता है। तो वो जब जलता है तो बहुत 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 ज़बरदस्त टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो वो हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से हीट लेता है, वो पिछला टायर जो है उसको घुमाता है, और उसके कारण दोनों टायर फिर घूमते हैं और वो जो बाइक है या तो पर्टिकुलर ऑटोमोबाइल है वो आगे के डायरेक्शन में मूव करती है। लेकिन ये एक हीट रिलीज कहाँ पे करे, तो सराउंडिंग में रिलीज करते हैं। आपने देखा होगा बाइक में साइलेंसर होता है, तो उधर से बहुत 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 सारी हीट कंटिन्यूसली रिलीज होती है, दैट इज़ Q2, ठीक है, और इसलिए वो गर्म होता है। और बाइक के अंदर जो इंजन है वो भी भरपूर गर्म होता है, फॉर श्योर साइलेंसर जितना गर्म होता है उससे कहीं गुना ज़्यादा, कहीं गुना ज़्यादा उसके अंदर का इंजन गर्म होता है, क्योंकि वही है हमारा एक्चुअली हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, और वहाँ से वो हीट, वही खुद इंजन है ना, तो वो 4-स्ट्रोक इंजन, 2-स्ट्रोक इंजन, ऐसे अलग अलग इंजन होते हैं, कारनोट इंजन। तो वहाँ पर जब पेट्रोल की बूंद या तो डीजल की बूंद गैस मॉलिक्यूल्स के साथ सब घूमने लगता है, तो ये जो हीट इंजन के बारे में हमने बात की, ये है हाई टेम्परेचर रिजर्वायर जिसका टेम्परेचर है T1, ये है लो टेम्परेचर रिजर्वायर जिसका टेम्परेचर है T2। यहाँ से हीट एब्जॉर्ब कर रहा है हीट इंजन, कितना एब्जॉर्ब किया, तो Q1 अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब किया, W अमाउंट ऑफ वर्क वो कर रहा है, दिस इज आउटपुट। ये वर्क जो हो रहा है, ये वर्क जो कर रहा है, कौन कर रहा है, हीट इंजन कर रहा है, वो हमारा आउटपुट है। और ये जो हीट हमने एब्जॉर्ब किया है ये हमारा इनपुट है, ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ से W क्या हो जाएगा, देयरफॉर W इज इक्वल्स टू Q1 माइनस Q2। W क्या हो जाएगा, Q1 माइनस Q2 हो जाएगा। आ गई बात समझ में, अभी बात करते हैं एफिशिएंसी की, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, दैट इज डिनोटेड बाय सिंबल ईटा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा थीटा वगैरह जो होता है वैसे उसको ईटा सिंबल से डिनोट करते हैं। तो एफिशिएंसी क्या होती है ना, एक जनरल फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ वो आप याद रखो, एफिशिएंसी होती है आउटपुट अपॉन इनपुट। एफिशिएंसी हमेशा, एफिशिएंसी कितनी होती है, आउटपुट अपॉन इनपुट, बराबर है। एफिशिएंसी क्या होती है भाई, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो हम जो है हमारा आउटपुट किससे डिनोट कर रहा है और इनपुट किससे डिनोट कर रहा है वो बाद में लिखते हैं, लेकिन एफिशिएंसी किससे डिनोट कर रहा है, ईटा से। आउटपुट क्या है, वर्क डन, आउटपुट क्या है, वर्क डन, और इनपुट क्या है, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड, ठीक है ना भाई। तो एफिशिएंसी है आउटपुट अपॉन इनपुट, जो है वर्क डन अपॉन हीट एब्जॉर्ब्ड। वर्क डन कितना है, W, और हीट कितना एब्जॉर्ब किया है, Q1। ओके, अब W का वैल्यू क्या है, W है Q1 माइनस Q2। देखो ये रहा, मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है ये दोनों स्टेटमेंट, यही याद रखोगे तो यहाँ से W का वैल्यू मिल जाएगा, दैट इज़ Q1 माइनस Q2। तो वो सब्स्टिट्यूट करता है Q1 माइनस Q2 होल डिवाइडेड बाई Q1, ये हो गई एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। अगर इसको स्प्लिट करें दोनों बाजू, एलजेब्रिक ऑपरेशन, ये Q1 माइनस Q2 दो टर्म है और डिनोमिनेटर का जो एक टर्म है वो दोनों के साथ जाएगा, तो इट विल बी लाइक Q1 डिवाइडेड बाई Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई Q1, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। Q1 अपॉन Q1 इज 1 माइनस Q2 बाई Q1, सो ये हो गई एफिशिएंसी, 1 माइनस Q2 बाई Q1 इज एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन,
याद रखो, 1 माइनस क्यू टू बाई क्यू वन इज एफिशियंसी ऑफ हीट इंजन, दैट्स इट। अभी एक और इम्पोर्टेंट बात जाते जाते बता रहा हूँ कि क्यू वन बाई क्यू टू इज इक्वल्स टू टी वन बाई टी टू। क्यू वन बाई क्यू टू जो होता है वो होता है टी वन बाई टी टू। तो यहाँ पर क्यू टू बाई क्यू वन हो जाएगा टी टू बाई टी वन। अरे अगर क्यू वन बाई क्यू टू टी वन बाई टी टू है तो क्यू टू बाई क्यू वन हो जाएगा टी टू बाई टी वन। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ना, क्यू टू बाई क्यू वन इज इक्वल्स टू टी टू डिवाइडेड बाई टी वन। तो ये जो क्यू टू बाई वन माइनस क्यू टू बाई क्यू वन है उसको लिख सकते हैं वन माइनस टी टू बाई टी वन। ये भी एफिशिएंसी का ही फॉर्मूला बन सकता है। तो दोनों फार्मूला ध्यान में रखेंगे, ठीक है, क्योंकि कभी कभी ना टेम्परेचर दिया होता है, हाई टेम्परेचर रिजर्वायर और लो टेम्परेचर रिजर्वायर का। तो ये हमने पूरा डिटेल में स्टडी किया, हीट इंजन क्या होता है उसका एनालिसिस किया, ठीक है। तो आप बिल्कुल इसको बार बार रिवाइज़ करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस के लिए भी, थर्मोडाइनमिक्स के न्यूमेरिकल्स के लिए भी, और फ्रेंड्स के साथ लोगों के साथ शेयर करते रहो, पढ़ाई करते रहो। बहुत सारे टॉपिक्स है थर्मोडाइनमिक्स के, बहुत सारे अलग वीडियो लेक्चर्स है, रिवाइज करते जाओ। डाउट्स है तो कमेंट्स में ऐड करते जाओ, विल कीप ऑन एडिंग द वीडियो लेक्चर्स। तो ऐसे ही मज़ा करते रहिए, नई नई बातें जानते रहिए, आप फिजिक्स पढ़ते रहिए, मैं फिजिक्स पढ़ाता रहूँगा, क्योंकि फिजिक्स हमारा, फिजिक्स तुम्हारा। नमस्कार। हमने रखा है उसमें एप्पल है और भी बहुत सारी अलग 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 चीज़ें हैं, कुछ फ्रूट्स है हमारे पास, कुछ वेजिटेबल्स है हमारे पास। सभी को नमस्कार। पिछले सेशन में हमने हीट इंजन के बारे में बात की थी डिटेल में, ये सेशन में उसका एग्जैक्टली जो रिवर्स है उसके बारे में बात करेंगे, दैट इज़ रेफ्रिजरेटर के बारे में बात करने वाले हैं। तो पहले मैं दो रेक्टेंगुलर डब्बे बना लेता हूँ, और वो दो रेक्टेंगुलर डब्बे क्या है वो आपको पता है। एक है हाई टेम्परेचर रिजर्वायर और दूसरा डब्बा जो है वो है लो टेम्परेचर रिजर्वायर। ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं वापस लिखने जा रहा हूँ। एक है हाई टेम्परेचर रिजर्वायर और दूसरा है लो टेम्परेचर रिजर्वायर। ठीक है, और ये होता है हीट पंप। तो हीट इंजन का ना ये रिवर्स है, तो इसको ऐसे भी लिखते हैं ऐसे, क्योंकि देखो हीट इंजन ऐसे लिखा जाता है ना एच ई, तो इसको अगर रिवर्स करोगे तो ई का उल्टा और एच का उल्टा करोगे तो वो एच जैसा ही दिखेगा कुछ। तो इसको हीट पंप ऐसा हम लिखते हैं, क्योंकि फ़र्क क्या है ना, हीट इंजन हीट एक्सट्रैक्ट करके वर्क निकालता है, उससे वर्क डन कुछ ना कुछ आउटपुट देता है। यहाँ पर इनपुट और आउटपुट दोनों अलग होने वाला है। ये टेम्परेचर वही रखते हैं टी वन, ये भी टेम्परेचर वही रखते हैं टी टू, हीट भी क्यू वन और क्यू टी वही होने वाली है। अभी फ़र्क क्या होता है वो देख लो खाली। अभी ये समझो हमारा रेफ्रिजरेटर है, हाँ मैं सही बोल रहा हूँ, यही जो है वो, ये जो है वो हमारा रेफ्रिजरेटर है। तो अभी समझो उसमें अलग अलग फ्रूट्स हमने रखा है, उसमें एप्पल है और भी बहुत सारी अलग 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 चीज़ें है, कुछ फ्रूट्स है हमारे पास, कुछ वेजिटेबल्स है हमारे पास, वो सारे हमने रेफ्रिजरेटर में रखे हैं और हम चाहते हैं कि वो सारे जो है वो ठंडे रहे, बराबर है। तो अभी क्या करना पड़ेगा, एप्पल तो नॉर्मल टेम्परेचर पे है, मैं बोल सकता हूँ कि वो 27-28 डिग्री सेल्सियस पे है। तो अभी उसको मेरे को 5 डिग्री या तो 10 डिग्री सेल्सियस पे रखना है, ठंडा करना है उस एप्पल को, या तो मैं पानी की बॉटल रखता हूँ उसको ठंडा करना है, तो उसमें से ज़बरदस्ती हीट मेरे को एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी। कितनी हीट एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी, क्यू टू। मैं वापस बोल रहा हूँ, ये जो सफरजन है, ये जो एप्पल है, ये तो कुछ पानी होगा, कुछ जो भी आलू होगा, सब्जी होगी, कुछ भी जो रेफ्रिजरेटर में फ्रिज में, उसमें से ज़बरदस्ती हीट एक्सट्रैक्ट की जाती है। कौन करता है, अपने आप तो होगा नहीं, ज़्यादा तो होगा नहीं, तो इलेक्ट्रिसिटी के कारण होगा। तो वो इनपुट, वर्क इनपुट हम देते हैं इलेक्ट्रिसिटी के टर्म में, तो दिस इज़ वर्क, मतलब यहाँ पर वर्क करना पड़ता है।
मैं वापस दोहरा रहा हूँ, यहाँ पर वर्क करना पड़ता है, तो दिस इज वर्क इनपुट, कि करंट जो है वो आप कितना सही से दे रहे हैं। और बाकी इसमें से हीट हमने एक्सट्रैक्ट कर दी, वर्क इनपुट आया, तो यहाँ पर भी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट कुछ फॉलो तो होना ही है कि हीट जो है वो कम्प्लीटली वर्क में नहीं हम कन्वर्ट कर सकते 100%, तो उसका इन्वर्स भी ट्रू है कि कुछ भी वर्क करके 100% हीट नहीं निकाल सकते, तो कुछ ना कुछ हीट यहाँ पर जाएगी हाई टेम्परेचर रिजर्वायर में, ठीक है। इसलिए फ्रिज के पीछे कभी भी हाथ लगाओ, बहुत बहुत गर्म होता है, क्योंकि वो हाई टेम्परेचर रिजर्वायर ये है, वो सराउंडिंग में हीट फेंक देगा, ठीक है। तो यहाँ पर इनपुट हो गया ये, अभी आउटपुट क्या हो गया ना ये सोचना है कि कितना आप ठंडा कर पाए। अलग अलग कंपनियाँ आती है, बरोबर, मैं सब कंपनी के नाम तो नहीं लूँगा, आपको पता ही है, लेकिन समझो अलग अलग 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे 6-7 कंपनियाँ हैं, तो उसमें से कोई एक बेस्ट होगी, कोई एक अच्छी होगी, बेटर होगी, तो जो कंपनी ज़्यादा अच्छे से हीट एक्सट्रैक्ट कर पाती है, ज़्यादा समय तक चीज़ों को ठंडा रख पाती है, वो हमारा आउटपुट होगा। क्योंकि मेन काम तो वही है ना, पानी रखा कितने टाइम में ठंडा हो जाएगा, एप्पल रखे, फ्रूट्स रखे, वेजिटेबल्स रखे, कितने टाइम में ठंडे हो जाएंगे, कितने टाइम तक ठंडे रहेंगे एक्चुअली, तो वो एफिशिएंसी हम काउंट कर सकते हैं उसके हिसाब से, ठीक है। और यहाँ पर भी अगर वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाए, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो इन दोनों को मिलाकर Q1 हो जाएगा, बराबर है। लेकिन ये Q2 जो है वो हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, और किसकी मदद से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, W की मदद से, तो Q2 प्लस W मिला के Q1 हो जाएगा। तो यहाँ पर W क्या हो जाएगा, W हो जाएगा क्या, Q1 माइनस Q2, सेम एज हीट इंजन, सेम एक्सप्रेशन ही है, सेम एज हीट इंजन, सिर्फ फर्क इतना है हीट इंजन में हम वर्क आउटपुट करते थे, वर्क एज एन आउटपुट निकालते थे, यहाँ पर हमें इनपुट देना पड़ रहा है, सामने से इनपुट देना पड़ रहा है, वहाँ पर हमको आउटपुट मिल रहा था इन फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी या तो एनी फॉर्म, बाइक है, कार है, ट्रक है, बस है, तो मैकेनिकल एनर्जी, बाकी वो हीट इंजन जो है वो वर्क का कोई भी दूसरा फॉर्म हो सकता है, नॉट नेसेसरीली मैकेनिकल एनर्जी, दूसरी कोई भी एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम इसका कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ढूंढने वाले हैं, कोएफिशिएंट और परफॉर्मेंस, जिसको यूजुअली अल्फा या तो बीटा ऐसे कुछ सिंबल से डिनोट किया जाता है, अलग अलग रेफरेंस बुक्स में अलग अलग होता है, चलो हम अल्फा लेते हैं। तो अल्फा क्या होगा, आउटपुट अपॉन इनपुट, सिंपल, आउटपुट अपॉन इनपुट। अब हमारा आउटपुट क्या है, कितना हम हीट एक्सट्रैक्ट कर पाए, तो आउटपुट इज हीट एक्सट्रैक्टेड एंड इनपुट इज वर्क, ये वर्क जो है ये इनपुट है, और Q2 जो है वो हीट एक्सट्रैक्ट किया एप्पल में से, पानी में से, सब्जी में से, फ्रूट्स में से, एट्सेट्रा। तो अल्फा क्या हो जाएगा, हीट एक्सट्रैक्टेड इज Q2 डिवाइडेड बाय W। अभी W क्या है, Q1 माइनस Q2, तो ये हो गया फॉर्मूला फॉर कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर, उसको हीट पंप भी बोला जाता है, ओके। अगर 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 आपको इसको और थोड़ा घुमा फिरा के लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं, Q1 बाय Q2 माइनस 1, कुछ हुआ नहीं है जादू, सिर्फ एलजेब्रिक ऑपरेशन किया है, Q2 को मैंने डिनोमिनेटर में ले लिया, करके देखना, Q2 को डिनोमिनेटर में ले लो, तो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में ले लो, तो Q1 बाय Q2 माइनस Q2 बाय Q2 1 होता है, और इसको जब घुमा फिरा के लिखोगे तो यही मिलने वाला है, तो दे आर वन एंड द सेम, सो दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ क्या बोलो, रेफ्रिजरेटर।
कैसे मज़ा करते रहिए, नई नई बातें जानते रहिए, आप फिजिक्स पढ़ते रहिए, मैं फिजिक्स पढ़ाता रहूँगा क्योंकि फिजिक्स हमारा, फिजिक्स तुम्हारा। नमस्कार। अगर आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है, कुछ समझ रहा है, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कंटिन्यूसली पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, कीप लर्निंग। थैंक यू।